dear children, today we are going to discuss about the lab skills. हम यहाँ पे हमारा chapter number 15, company of good friends, वो start करने जा रहे हैं. Okay? So children, do you know that कि good friend is why good friend is very needed in our life? हमारे life में good friends से वो क्यों जरूरी है? तो आज हमें इस chapter में यही सीखना है. Chapter start करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ कि आपके भी फ्रेंड्स होंगे तो कितने फ्रेंड्स हैं आपके? बहुत सारे. यस. सो उसकी क्वालिटीज क्या होगी? जरा सोचिए, आपके फ्रेंड्स की क्वालिटी होगी ना कि ये इसमें अच्छा है, वो उसमें अच्छा है. तो आपको आपकी जो फ्रेंड्स है उसकी क्वालिटी याद करनी है और वो क्वालिटी गुड है या बैड है, लाइक वो आपको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो क्वालिटीज आपके फ्रेंड की, तो वो भी आपको आज सोचना है चैप्टर समझने से पहले. ओके. सो इस चैप्टर में हमें क्या करना चाहिए कि गुड फ्रेंड्स है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं. ओके. तो गुड फ्रेंड्स है वो क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं, उससे हमें क्या यूजफुल होते हैं हमारी लाइफ में, तो वो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा. ओके चिल्ड्रन. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड द रीजंस व्हाई यू शुड चूज अ कंपनी ऑफ द गुड फ्रेंड. राइट द क्वालिटी ऑफ द गुड फ्रेंड इन द गिवन फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ द हेल्प. हमारी लाइफ में जैसे मैंने बोला गुड फ्रेंड्स है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे फ्रेंड्स होंगे वैसे ही हम होंगे. अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे रहे तो हम उसके साथ रहकर अच्छे बन जाएंगे, और अगर हमारे फ्रेंड्स बुरे होंगे राइट, तो हम उसके साथ रहकर अगर हम अच्छे हैं फिर भी हम बुरे बन जाएंगे ना. तो इसलिए आप बड़े हो गए हो कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छा बनना है या बुरे लोगों के साथ रहकर बुरा बनना है, क्योंकि आप इतने तो बड़े हो गए क्योंकि आप समझ पाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. ओके. नाउ स्टार्टिंग विद नंबर 1. बाय लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग गुड फ्रेंड्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. देयर गुड टिप्स एंड एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस. नाउ देखो, जब भी आपके पास गुड फ्रेंड्स होंगे उसके पास अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होगी राइट. अगर आप उसकी बात सुनोगे, उसका एक्सपीरियंस से वो देखोगे, तो आप भी उसके जैसे बनना चाहोगे राइट, और वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत काम आएगा. तो वो जब भी आपके गुड फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो आपकी सक्सेस में आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं. सो यहाँ गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियन. ऐसे नहीं कि फ्रेंड से तो खुद का अच्छा हो और उसका बुरा हो तो हम कुछ भी बोलेंगे ना ना ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं. जो राइट थिंग है आपके फ्रेंड के लिए अच्छा है वैसे ही आपको ओपिनियन देने हैं. ओके. तो दिस इज द इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड यू कैन गिव यू अदर ऑनेस्ट ओपिनियन टू योर फ्रेंड. ओके. नाउ नंबर 2, गुड फ्रेंड्स मेक अ मेजर इम्पैक्ट इन योर लाइफ इज अ गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी इस पर बहुत इम्पैक्ट करता है आपका गुड फ्रेंड. द टाइम यू स्पेंड विद देम कैन हेल्प यू थिंक एंड बिहेव लाइक अ गुड चाइल्ड. जितना टाइम आप गुड फ्रेंड के साथ बिताओगे उतना आप ज़्यादा इंस्पायर होगे कि मैं भी उसके जैसा गुड चाइल्ड अच्छा बच्चा बनूँ राइट. तो यहाँ पर स्ट्रेंथन योर थॉट प्रोसेस. आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है. ओके. नंबर 3, गुड फ्रेंड्स हेल्प यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रॉन्ग हैबिट्स लाइक लाइंग एंड स्टीलिंग. जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो आपको बुरी चीज़ों से दूर रखेंगे. अगर आपकी कोई बैड क्वालिटी होगी फिर भी आपके फ्रेंड्स से वो आपको उसको दूर रखेंगे, जैसे कि झूठ बोलना, किसी की चीज़ चुरा लेना, उससे आपके फ्रेंड्स से आपको दूर ले जाएंगे. दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कंपनी ऑफ द बैड फ्रेंड एंड सेव यू फ्रॉम द नेगेटिव थॉट. वो है वो आपको बुरे लोगों से बचाएगा राइट, और आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आप ऐसे पीपल से दूर रहो. सो यहाँ पे क्या है जो बच्चा आंसर है, सेव यू फ्रॉम द नेगेटिविटी. आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा आपका जो गुड फ्रेंड होगा वो. ओके. नाउ फोर्थ एंड लास्ट, व्हेन यू शेयर योर हैप्पीनेस विद योर गुड फ्रेंड. जब आप बहुत खुश हो रहे हो और आप अपनी हैप्पीनेस से वो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, द हैप्पीनेस गेट्स मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स. तो आपकी खुशी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. सिमिलरली इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी विद देम द प्रॉब्लम्स गेट
योर प्रॉब्लम। अब जब आप अपनी खुशी है वो अपने गुड फ्रेंड के साथ शेयर करोगे ना तो वो खुशी दुगनी हो जाएगी ना, जैसे बोलते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और जो आपके गम होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अगर आप अपने गुड फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो आपके प्रॉब्लम से वो कम हो जाएंगे। वो अपने हिसाब से जितना भी वो सोच सकता है वो सोच कर उसको सोल्यूशन जो तुरंत मिला देगा, राइट। सो गुड फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हेल्प यू इन द टाइम ऑफ नीड। जब भी आपको जरूरत है, जब भी आप कहीं प्रॉब्लम में हो तब आपके गुड फ्रेंड है, जो ट्रू फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई फ्रेंड्स बनाओ तो दैट पर्सन विल बी गुड। ओके, वो गुड होना चाहिए, उसमें गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, ना कि वो आपको कोई चोरी करवाने या फिर झूठ बोलना सिखाए। अगर कोई ऐसा पीपल आपकी लाइफ में है तो प्लीज़ बी फार अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि हम जिसके साथ रहेंगे उस वैसे ही हमारी सोच होती जाएगी, राइट। तो हमें ऐसे पीपल से दूर रहना है और हमेशा हमें गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल के साथ रहना है, ताकि हम भी अपने आप को गुड बना सकें, हमारा माइंड उसके जैसा डेवलप कर सकें और हमें जब भी ज़रूरत हो तब वो हमारी हेल्प कर सके। धीरे धीरे हम ऐसे उसके इसके जैसा बन जाएंगे ना तो हम भी किसी और की हेल्प कर पाएंगे, है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नाउडेज यू आर डूइंग सो मैनी एक्टिविटीज विथ योर फ्रेंड ऑनलाइन, ओके, बट जैसे मैंने बोला कि जो अच्छा है उससे अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, जो बुरा है उससे हमें दूर रहना है। ओके, सो दैट इज इन अवर चैप्टर, इन अवर रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर। सो वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर नंबर 50, कंपनीज ऑफ गुड फ्रेंड। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कंप्लीट योर चैप्टर, रीड इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।